हम लोग हर साल जाते हैं बाहर घूमने के लिए, कहीं भी, चाहे इंडिया हो या इंडिया के बाहर। तो इस बार हम लोगों ने, बच्चों ने प्लान बनाया कि चलो इस बार ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। वहाँ गए, काफ़ी इन्जॉय किया, घूमा फिरा। जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में ये मेरे को कहते हैं कि मेरे को ना हल्की हल्की सांस की प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने इनको कहा कि शायद कि आपने लगेज वगैरह उठाए हैं, उठा के बेल्ट पे रख रहे हैं, इसलिए शायद आपको सांस की प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। थर्ड डे इन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर को चेक करवाता हूँ। तो गए ये डॉक्टर के पास, उन्होंने टेस्ट लिख के दिए, दवाई दी। आफ्टर टू डेज तकरीबन कोई 6 o'clock मैं घर वापस आने लगा अपनी डॉटर के साथ। तो मेरे को सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ़ होने लग गई। मेरे ब्रदर ने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हमारे वहीं हॉस्पिटल है, तो कहते आप इनको वहीं ले लीजिए। मैं अपने ब्रदर को हॉस्पिटल लेकर गया था, वहाँ पर उन्होंने जवाब दे दिया था कि चांसेस 0 हैं। हमने अंदर आईसीयू में अंदर झाँक के देखा तो इनकी सांस बिल्कुल जैसे एक टाइम पे रुक गई, वो पंपिंग कर रहे थे। तो हमने बाहर आके हम लोगों की जो हालत थी वो हम लोगों को पता है कि क्या हमारे लिए वो क्या सिचुएशन थी उस टाइम। हम तो सारे घबराए हुए थे बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद हमने डॉक्टर, मेरा फ्रेंड है अमरजीत, उसने अपर्णा से बात की। डॉक्टर अमरजीत पोपली who practices in West Delhi and said that there's this such a patient who's reached a hospital in cardiac collapse. There was no pulse, there was no BP recordable and he was extremely sick. मेरे बच्चे, सब बच्चे, मम्मी वगैरह सब रो रहे थे क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है, तो कुछ भी हो सकता है। I would compliment the family that they took the chance because they did ask me that can something happen en route to the hospital and I was truthful to them to say yes, we don't know, but I think we should give it a fair chance to shift him into the hospital because that's the only chance and the best chance he has. बाहर बैठे हुए थे ऑपरेशन थिएटर के, तो उस टाइम हम लोगों की कंडीशन बहुत कि समझ नहीं आ रहा था। सब लोग ठंडे, एकदम पूरी बॉडी हम लोगों की ठंडी पड़ गई क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर ये जो हम ट्रीटमेंट करने लगे हैं तो ये तो अगर सक्सेस हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ पता नहीं कि क्या होगा। सो वी ब्रॉट द पेशेंट इनटू आवर हॉस्पिटल एंड वी रियलाइज्ड दैट व्हेन वी टुक हिज हिस्ट्री He was actually traveling from Australia. His flight had boarded from Australia to Singapore and Singapore to Delhi, and he had not been moving around or taking ample amount of water in the flight. That he had been seeing a movie after movie in the flight, not getting up from his seat, not walking around, not drinking fluids as we always tell our patients to, and that had resulted in a disastrous complication that he had developed clots in his legs, and those clots had then via the heart gone inside his lungs, the arteries supplying blood to his lungs, and they had in fact completely blocked the arteries of his lungs, as a result of which he had collapsed. जब मैं यहाँ पे आ गया 40s में, एक टाइम पे जब मेरे को इन्होंने आईसीयू में रखा हुआ था और मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी, तो एक टाइम पे मेरा शरीर बिल्कुल नम पड़ गया था, इवन कि मैं अपने होंठ भी ऐसे नहीं कर पा रहा था। तो मेरे को लग गया था कि जैसे अब लेने वाला कोई आ गया है। Yeah, so what we did with this patient was that we brought him into the hospital, and coming into the hospital, we gave him very strong blood thinners. He had already received a dose of blood thinner en route before he was shifted, and then when he came into our hospital, we had kept our cath lab ready. He was wheeled into the cath lab, and the doctors went into the pulmonary artery. After we went into the pulmonary artery, we went and gave a very strong blood thinner. So giving very strong blood thinners breaks the clots inside the pulmonary artery. As a result, resumes the blood flow into the pulmonary arteries and the lungs, and the condition becomes normal. Thanks to Dr. Aparna and my friend Amarjeet. लेकिन life threatening था, बहुत ओखा काम इन्होंने किया। मेरे ब्रदर को इन्होंने बहुत बढ़िया बचा लिया। जैसे next day मेरे को होश आया
तो डॉक्टर्स जितने यहाँ के अच्छे डॉक्टर्स हैं और जितने मेहनती हैं मैंने अभी तक ऐसा मतलब कहीं पे देखा नहीं है, और जो नर्सेज हैं इतनी हेल्पफुल हैं, इतनी अच्छी हैं, मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ उन डॉक्टरों का जिन्होंने मेरे साथ ऐसी ट्रीटमेंट करके मेरे को बचाया। आई वुड कॉम्प्लीमेंट द फैमिली दैट दे हैड कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, दे हैड कॉन्फिडेंस इन अस, दे हैड कॉन्फिडेंस इन आवर हॉस्पिटल, एंड आई गेस दैट्स व्हाट वी सी टुडे द रिजल्ट ऑफ दैट ही इज गुड इनफ टू गेट बैक होम। तो एक दिन मैं आई सुबह, तो मैंने मंगलसूत्र डाला हुआ था, फिर मैंने पकड़ के इनको दिखाया, मैं कहा ये याद है तुहानू, याद हैगा तुसीं मैनूं इह दित्ता सी। फिर ये हंसने लग गए और हंस के कहते कि याद है। आई थिंक आई ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर डॉक्टर्स एट फोर्टिस एस्कॉर्ट्स वुड लाइक टू टेल पीपल हु आर ट्रैवलिंग ऑन लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स, ऑल्सो आवर पेशेंट्स हु अंडरगो बाईपास सर्जरीज, that you know, don't keep lying still, don't keep your body still in one position, don't just sit on the aeroplane seat and keep watching movie after movie, because it can have a disastrous complication like we saw in this young man, and it's easily preventable. Drink fluids and keep moving around in flight, and we wish you a safe life.